Hello, dear students. I hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat. I am your English teacher. Today we will go through our previous chapter, that is the best Christmas present in the world, from the book Honeycomb, class 8th. तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, the best Christmas present in the world. तो किस तरह से जो है ऑथर जो है किस तरह से एक जंक शॉप में जाते हैं और वहां से जो है एक टेबल लाते हैं, रोल टॉप डेस्क लाते हैं, और किस तरह से लास्ट ड्रॉयर में उनके जो है एक सीक्रेट ड्रॉयर रहता है और वहां पे एक टिन बॉक्स मिलता है और उसमें क्या होता है, एक लेटर होता है. पहले तो जो ऑथर हैं वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे. होता है ना कि जब हम किसी के एब्सेंस में किसी का लेटर पढ़ते हैं या कोई बुक खोलते हैं, सॉरी कुछ सीक्रेट चीज खोलते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से हमारा होता है कि नहीं ये हम गलत कर रहे हैं. परंतु एक थोड़ी सी हमारी ऑन द अदर हैंड हमें क्या होती है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है कि इसके अंदर क्या है. तो किस तरह से वो खोलते हैं और किस तरह से वहां पे जो है उन्हें एक लेटर मिलता है, और लेटर कौन लिखता है, मैकफर्सन अपनी वाइफ को लिखते हैं, कोनी को. और क्या लिखते हैं उसमें कि किस तरह से वॉर के बीच में, एट द मिडल ऑफ द वॉर, किस तरह से उन्होंने पीस शांति बनाने के लिए जो है एक फुटबॉल का मैच खेला था. तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द चैप्टर. तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और व्हाट वाज रिटन देयर, क्या लिखा था उसमें, मिसेस जिम मैकफर्सन, एंड द एड्रेस क्या था उसमें, 12 कॉपर बीचेस विद पोर्ट डॉर्सेट. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. उन्होंने लेटर को निकाला और इट वॉज रिटन इन पेंसिल. जैसे कल मैंने बताया था कि वो किससे लिखा होता है, पेंसिल से. एंड डेट क्या थी उसकी, कोई भी लेटर होता है उसके टॉप में डेट लिखते हैं, तो कौन सी डेट थी, दिसंबर 26, 1940. और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिसीविंग जो डेट थी वो क्या थी, 25th जनवरी 1915. ठीक है, और ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे कल, कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, एंड ये आपके होमवर्क थे. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. डियरेस्ट कोनी, अब यहाँ पे क्योंकि वो लेटर किसका था, जिम मैकफर्सन का था, तो उन्होंने किसको लिखा था लेटर, अपनी वाइफ, और वाइफ का नाम क्या था, कोनी, कोनी मैकफर्सन. तो उन्होंने लिखा, डियरेस्ट कोनी, ठीक है, कौन लिख रहा है, जिम मैकफर्सन लिख रहे हैं. किसको लिख रहे हैं, टू होम, कोनी को लिख रहे हो, लिख रहे हैं अपनी वाइफ को. आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. अब वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो ये पत्र लिख रहा हूँ, तो लिखता तो कैसा मूड है उनका, हैप्पियर मूड है, और माइंड भी जो है मानसिक रूप से जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, और मतलब कोई टेंशन नहीं है उनको. ठीक है, तो ऑफ माइंड बिकॉज, क्यों है कि आज मैं इतना खुश क्यों हुआ है, क्या ऐसा हुआ है. तो वो कहते हैं कि बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कि अभी जो है कुछ ऐसा अच्छा हुआ है. क्योंकि ये जो लेटर के ऊपर जो डेट लिखी है वो कौन सी लिखी हुई, 26, और जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये जो हैपेंड हुआ है, वो कब हुआ था, 25 क्रिसमस, मतलब लेटर जब लिखा था बिफोर वन डे, ठीक है, एक दिन पहले क्रिसमस के. तो वो कह रहे कि अभी जो है एक जो है घटना घटी थी. क्या घटना घटी थी, दैट आई मस्ट टेल यू, कि वो जो है मैं आपको, वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, That I must tell you, कि वो मैं जो है तुम्हें बताना चाहता हूं. और क्या है वो घटना, You about at once, कि अभी मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो इस समय घटित हुआ है. और मैं जो हूं, ये जो तुम्हें पत्र लिखता हूं या लिखा है, तो कैसा लिखा है, मेरी जो मानसिक मेंटली जो है मैं प्रिपेयर हूं, और मानसिक अवस्था जो है मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है, वी वर ऑल स्टैंडिंग. अब जब पता है, आप लोगों को भी पता है, यू नो, कि जब लड़ाई होती है तो सोल्जर्स जो हैं, क्योंकि आर पार की लड़ाई हो रही है, सामने दुश्मन है, तो क्या करते हैं सोल्जर्स, ट्रेंचेस खोद देते हैं, जमीन के नीचे गड्ढे खोद देते हैं, और उसमें जो है हाइड कर लेते हैं अपने आप को, क्या करते हैं, छिप जाते हैं, जिससे एनिमी जो है उनको देखे ना. तो यहाँ पे भी जो है मैकफर्सन अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि वी वर ऑल स्टैंडिंग, कि हमने सबने क्या है, स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस.
स्टैंडिंग ट्रेन माने हमने अपने अभी जो है पोजीशन ले ली है, टेकिंग अ पोजीशन, ठीक है, इन आर ट्रेंचेस। अब ट्रेंचेस क्या होते हैं, यहाँ पे साइड में दे रखे हैं, ट्रेंचेस लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड, हाइड माने छिपना फ्रॉम द एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन, डिचेस गड्ढे गहरे गहरे जो है, लॉन्ग डीप डिचेस जमीन में खोद देते हैं जहां पे जो है सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मनों से छिपे रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रेंचेस। तो कह रहे हमने अपने अपने ट्रेंचेस में जो है पोजीशन ले ली है, यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल मॉर्निंग की बात है, क्योंकि वो लेटर कब लिख रहे हैं, आफ्टर क्रिसमस, तो क्रिसमस मॉर्निंग। अब सबको पता है कि क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर में आता है, उस समय कैसा रहता है, कई देशों में जो है बर्फ पिघली रहती है, स्नोफॉल होता है और बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ जो था फ्रेश, क्रिस्प मैंने फ्रेश, एंड क्वाइट, और बहुत ज्यादा क्या थी, शांति थी ऑल अबाउट, चारों तरफ क्या थी, बहुत ज्यादा शांति सी थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, वो कह रही इतनी सुंदर मॉर्निंग थी, कल मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, क्रिसमस की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, कि कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश और शांत था चारों तरफ, बहुत शांति थी, क्वाइट ऑल अबाउट, और ऐसी जो मॉर्निंग थी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, आई हैव, वो कह रहे आई हैव एवर सीन, इट मीन्स क्या है कि मैंने कभी नहीं देखी थी, आई हैव नेवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कि जैसे क्रिसमस में ऑब्वियस है कि जब ठंड रहती है तो चारों तरफ कैसा रहेगा मौसम, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी रहेगा, तो कह रहे कि आज जो था मौसम जो था और भी अच्छा जो था, फ्रेश था, क्वाइट था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कौन बोल रहे हैं, जिम मैकफर्सन लेटर में किसको बता रहे हैं, कोनी को बता रहे हैं, अपनी वाइफ को बता रहे हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट, कि मैं जो हूं, आई लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं तुम्हें बताने की मतलब क्या है, कि बता सक क्या है, आई शुड लाइक टू बी एबल, ठीक है, कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं जो अभी बताने वाला हूं वो हम शुरू कर सकते थे, बट ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, कि हम शुरू कर सकते थे परंतु ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, आई एम अशेम्ड, कि मुझे बताते हुए जो है कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा अशेम्ड फील कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, क्यों फील कर रहा हूं अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन, क्योंकि जर्मन ने जो है ये स्टार्ट कर दिया है, तो वो कह रहे शुरू में उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं हम जो है शुरुआत कर सकते थे, ठीक है, बट सच्चाई क्या है कि हम मुझे बताते हुए थोड़ा सा अशेम फील कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इज दैट फ्रिज बिगेन इट, क्योंकि जर्मन्स ने, अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई है, फ्रिज, फ्रिज इज यूज फॉर जर्मन सोल्जर्स, और टॉमी वर्ड इज यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, यहाँ पे लिखा भी है फ्रिज ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, फ्रिज इज अ कॉमन जर्मन नेम, और इंग्लिश नेम क्या है, टॉमी, यूज फॉर और रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रिज बिगिन इट, कि उन्होंने वो शुरू कर दिया, हम भी शुरू कर सकते थे। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग, सबसे पहले क्या देखा कि एक व्हाइट फ्लैग वेविंग, वेव कर रहे हैं उसको, मतलब वहां से झंडे को दिखा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट टीम में वॉर चल रहा है ड्यूरिंग दिस वॉर, तो सडनली क्या देखते हैं कि वो एक व्हाइट फ्लैग वॉज वेविंग, कि वहां पे वेव कर रहे थे, आउट टू अस वेविंग फ्रॉम द ट्रांचेस अपोजिट, उनके ट्रांचेस से क्या था, इट वॉज अपोजिट, क्या था अपोजिट, द व्हाइट फ्लैग वॉज वेविंग, और कौन कर रहे थे, फ्रिज वॉज, ठीक है, फ्रिज जो थे सोल्जर से, एक सोल्जर, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था वहां से, व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहा था अपने ट्रेंचेस से, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, व्हाट डू यू मीन बाय नो मैन्स लैंड, इसका मतलब है सुनसान जगह, जहां पे वॉर चल रहा है तो कोई भी नहीं रहेगा, खाली कौन रहेगा, जिनके बीच में वॉर चल रहा है, तो नो मैन्स लैंड मीन्स
सुनसान जगह, और वहां पे जो है देन दे वर कॉलिंग, क्या बोल रहे थे वो सारे के सारे, पहले एक फ्रिज सोल्जर ने क्या करा, वेव करा व्हाइट फ्लैग एंड दे स्टार्टेड क्या बोलना शुरू कर दिया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, और सब जो है इकट्ठा दे वर कॉलिंग, दे वर शाउटिंग, वहां से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है, क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे उनको. When we had got over the surprise, अब क्योंकि दोनों के बीच में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था. अब जैसे अभी दो बच्चे लड़े हैं और अचानक से वो आपको कहेगा हेलो हाउ आर यू, विश करने लगेगा, तो एकदम से सडनली आपको क्या होगा, थोड़ा सा आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि अरे अभी तो हम लड़े थे और अभी इसको क्या हो गया. तो सेम ईयर यहाँ पे उसने, उन्होंने क्या है, लड़ाई के बीच में, एट द मिडल ऑफ द वॉर, they were calling happy Christmas to them. So when we had got over the surprise, some of us shouted, और हमारे में से भी, किसके बीच में से, Tommy soldiers के बीच में से भी कुछ लोग जो है shout करने लगे, shouted back, shouted back क्या करने लगे, same to you, happy Christmas wish करने लगे उनको भी, same to you phrase, same to you. कौन चिल्ला रहे थे, टॉमी सोल्जर्स जो हैं, दे वर शाउटेड बैक टू फ्रिज सोल्जर्स ये हैप्पी क्रिसमस टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, और फिर क्या हुआ कि सारे लोग जो है वही करने लगे, वी ऑल डिड, बट देन सडनली, पर अचानक, सडनली मीन्स अचानक क्या हुआ, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट. अब उनकी जो ड्रेस थी वो कैसे रंग की थी, ग्रे, किनकी, फ्रिज की, जो जर्मन सोल्जर्स थे, कैसी ड्रेस थी, ग्रे ग्रे ग्रेट कोट, एक लंबी कोट पहनते हैं ना सर्दियों में आर्मी सोल्जर्स जो हैं ठंड से बचने के लिए, तो लॉन्ग कोट को बोलते हैं ग्रेट कोट, तो ग्रे कलर का था. तो उनमें से क्या हुआ कि वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग, और क्या वेव करा, ए व्हाइट फ्लैग. व्हाइट फ्लैग किसके लिए होता है, थोड़ा पीस के लिए हम बोलते हैं कि व्हाइट फ्लैग जो है फॉर पीस, डोंट शूट लैड्स, कि लड़को अब जो है तुम क्या करो, शूट मत करो. पहले उन्होंने विश करा, पहले वेव करा व्हाइट फ्लैग, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को विश करा. किसने स्टार्ट करा था ये विश करना, फ्रिज टू टॉमी, ठीक है, जर्मन सोल्जर्स टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और फिर उसमें से एक जो था उसने क्या बोला, डोंट शूट, कि अब जो है कोई गोली नहीं चलाओ. समवन शाउटेड, अब फिर कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और कोई नहीं, एक ही चिल्लाया, नो वन डिड, कि कोई शूट नहीं करेगा. देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप, और उसके बाद एक और सोल्जर जो है खड़ा हो गया ऑन द पैराफिट एंड एनेदा, और जो वहां पे ट्रेंचेस के ऊपर जो पैराफिट बना हुआ था उसके ऊपर जो थे, एक एक करके सारे फ्रिज सोल्जर्स जो है क्या हो गए, खड़े हो गए. कीप योर हेड्स डाउन, अब क्योंकि जिम में उन्होंने क्या बोला, जिम मैकफर्सन कह रहे हैं अपनी वाइफ को, कह रहे हैं कि मैंने अपनी टीम को क्या बोला, सोल्जर्स को क्या बोला, कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने सिर जो है नीचे कर लो. क्यों बोला, कि उन्होंने सोचा हो सकता है इनकी कोई ट्रिक है, हमें जो है ये फिर अचानक क्या करेंगे, शूट कर देंगे. तो उन्होंने कहा प्लीज कीप योर हेड डाउन, तो सबको बोला उन्होंने, आई टोल्ड द मैन, अब देखो मैन और मैन, मैन होता है सिंगुलर, मैन होता है प्लूरल, तो उन्होंने सबको बोला इट्स अ ट्रिक, हो सकता है उनकी ये एक ट्रिक हो, बट इट वॉज नॉट, बट उनकी ये क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कोई ट्रिक नहीं थी, वो सचमुच जो थे शांति चाह रहे थे या विश करना चाह रहे थे एक दूसरे को, बट इट वॉज नॉट. वन ऑफ द जर्मन्स, फ्रिज जो है, अभी इस बात को आप लोग हमेशा मतलब कीप इट इन माइंड कि फ्रिज इज यूज फॉर जर्मन सोल्जर्स. तो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, अब एक जर्मन जो था ऊपर क्या करा, उसने अपने सिर के ऊपर जो है एक बॉटल को वेव करने लगा, हिलाने लगा, ठीक है, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और अपने अपोजिट टीम को, अपोजिट जो सोल्जर्स थे,
टॉमी टीम के, उनको क्या बोला है, इट इज अ क्रिसमस डे, कि आज तो है क्रिसमस, कि हमें जो है, मतलब उनका मीन क्या था, दे मैन की आज जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, सेलिब्रेट क्रिसमस, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी है शेनेप्स, अब इसका प्रोनाउंस क्या था, शेनेप्स, ठीक है, वी हैव सॉसेस, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, शेनेप्स है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ शेनेप्स, शेनेप्स, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि किससे बनी होती है, ग्रेन से बनी होती है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, शेनेप्स, ठीक है, जर्मन ड्रिंक, और उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, सॉसेस भी है, सॉसेस किसको बोलते हैं हम, मीन्स जो है मीट को बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास ड्रिंक भी है और सॉसेस भी है, ठीक है, किसने बोला ये, फ्रिज ने बोला, जर्मन टीम ने बोला कि हमारे पास जो है शेनेप्स भी है और सॉसेस भी है, कबाब भी है, वी मीट यू, कि हम जो है तुमसे क्या करना चाहते हैं, वी मीट यू, मिलने के लिए, ठीक है, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स, डजन्स मीन्स 12, मतलब एक बोला है उन्होंने, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, मतलब एक टोलियों में जो है, डजन्स की टोलियों में जो है, ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स, और जो है सारे के सारे आगे बढ़ने लगे नो मैन्स लैंड पे, जो मैंने अभी बताया था कि क्या बताया था, कि जहाँ पे कोई नहीं रहता, सुनसान जगह पे जहाँ पे वॉर हो रहा था, अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट और राइफल, और जब वो जो है उनसे मिलने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे, डजन्स में बढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था, उनके पास कोई राइफल नहीं थी, और ये तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि लड़ाई के बीच में जो है वो इस तरह से जो है बिना राइफल के जो है दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स द नो मैन्स लैंड विदाउट एनी राइफल, इवन दे हैव नो राइफल, कोई राइफल नहीं है उनके पास, बिटवीन देम लिटिल प्राइवेट मॉरिस, और एक जो था लिटिल मॉरिस था उनमें से, वॉज द फर्स्ट अप, कि पहला वो था जो खड़ा हो गया, कमन बॉयज, और उसने सबको बोला कि आ जाओ कमन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, सबको उसने जो है किसने कॉल करा, मॉरिस ने, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई नहीं रुका, सब जो है आगे बढ़ने लगे, आई वॉज द ऑफिसर, अब मिक जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि मैं कौन था, ऑफिसर था, कौन सी टीम के थे वो, टॉमी सोल्जर्स के जो थे, क्या थे वो, ऑफिसर थे जिम, तो वो कह रहे कि आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, कि मैं उन्हें रोक सकता था, क्योंकि वो ऑफिसर थे, वो एक बारी को रोक सकते थे कि तुम मत जाओ करके, परंतु क्या हुआ, स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, और फिर उन्होंने क्या सोचा, बट द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या थी, दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, और अंदर से उनको क्या हुआ कि उन्होंने जो है उनको नहीं रोका, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आस, अब दोनों की लाइन, किस किस की लाइन, फ्रिज सोल्जर्स की और टॉमी सोल्जर्स की, आस मीन्स टॉमी सोल्जर्स, देयर लाइन मीन्स फ्रिज सोल्जर्स, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, कि मैंने देखा कि जो लोग थे जो सोल्जर्स से, दोनों टीम के जो सोल्जर्स थे आगे जो है बढ़ रहे थे, और कहां बढ़े थे, स्लोली धीरे धीरे टूवर्ड्स वन अनदर, और जो उनकी ड्रेस थी ग्रीक कोट्स थी, और हमारी कैसी थी, टॉमी की खाकी कोट्स थे, तो दोनों डिफरेंट थे, ग्रे एंड खाकी कोट्स, तो दोनों कहां मीट कर रहे थे, दे आर ट्राइंग टू मीट एट द मिडल ऑफ द नो मैन्स लैंड, तो ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, बीच में, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था, जैसे उन्होंने बताया कि मैं ऑफिसर था, मैं उन्हें रोक सकता था, परंतु सच्चाई क्या है कि मैंने जो है ऐसा नहीं करा और सबको जो है जाने दिया, ठीक है, और जो ग्रे कोट्स वाले थे, ग्रे कोट्स मीन्स फ्रिज सोल्जर्स और खाकी कोट्स मीन्स टॉमी सोल्जर्स, सब जो है कहां मिल गए, मिडिल, बीच में मिल गए, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी जो था उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं सके, वो भी उनके साथ चल दिए, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी जो है इसका पार्ट था, किसने बोला ये, जिम मैकपर्सन,
अब यहाँ पे देखो एक क्या इंटरेस्टिंग बात है कि लड़ाई के बीच में एक कैसा माहौल हो गया, जो इतना टेंशन वाला माहौल था एकदम से सडनली कैसा हो गया, पीसफुल शांति का माहौल हो गया। और जितने ऑफिसर्स थे वो भी जो है उनके साथ जुड़ गए। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, कि मैं भी जो था उसका पार्ट था। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और सबसे अच्छी बात थी कि एट द मिडिल ऑफ द वॉर दे वॉन्ट, क्या चाहिए थे उनको, दे वॉन्टेड या दे वर मेकिंग पीस, शांति, शांति का माहौल बना लिया था उन्होंने, शांति चाह रहे थे वो। कौन सारे, फ्रिज भी और टॉमी सोल्जर्स भी, क्योंकि कोई भी सोल्जर जो है ये नहीं चाहता कि लड़ाई जो है लंबी खींचे, जिससे कि उनकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाए। यू कैन नॉट इमेजिन, अब वो कोनी को बोल रहे हैं कि आप तुम इमेजिन नहीं करोगे, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि मेरी फीलिंग्स, कि मेरी क्या फीलिंग्स थी जब मैंने उनकी आंखों पे देखा, किसकी, फ्रिज ऑफिसर की, हु अप्रोच मी, कि जो मेरे को अप्रोच कर रहे थे, क्यों अप्रोच कर रहे थे, हैंड आउट स्ट्रेच, उन्होंने अपना हाथ निकाला मिलाने के लिए, शेक करने के लिए, हैंड्स वुल्फ, और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम क्या है, हैंड्स वुल्फ है, ही शेड ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली। और उन्होंने मेरा, क्योंकि दोनों दुश्मन थे, एनिमी थे, परंतु फिर भी जो है मेरी, मेरे को इतना, मेरी फीलिंग्स, मैं, तुम जो है इमेजिन नहीं कर सकते कोनी, कि जो फ्रिज ऑफिसर थे वो उन्होंने मेरे को अप्रोच करा और जो है ही सेड ग्रीपिंग माई हैंड वॉर्मली एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और उन्होंने क्या बताया कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, डसलडॉर्फ से, आई प्ले द सेलो, सेलो क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ए लार्ज वायलिन, कि एक वायलिन जो है मैं कहाँ बजाता हूँ, सेलो, इन द ऑर्केस्ट्रा। और उन्होंने अगेन ही विश्ड हिम कि हैप्पी क्रिसमस, तो उन्होंने फिर से उनको जो है विश करा, किसने करा, हैंस वॉफ ने, हैंस वॉफ को ने, फ्रेंच ऑफिसर, तो उन्होंने किसको करा, जिम मैकफर्सन को, क्या क्या बोला कि आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड अगेन ही विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों आज हमने जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ा है, और आई होप आप लोगों, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर वाज टॉट इन द क्लास। तो इसको जो है घर में जाके आप रिवाइज करें और रीडिंग करें। रीडिंग जो है मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि फोकस करो कि इस चीज पे, कि हमें जो है रीडिंग रोज करनी चाहिए। तो आज जो है यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।